हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी किचन के कुछ बहुत ही अच्छे अच्छे टिप्स एंड ट्रिक्स, जिनको आप फॉलो करके अपनी बहुत सारी समस्याओं को कम कर सकते हैं और अपना बहुत सारा कीमती समय भी बचा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला टिप्स है मेरा मिक्सी के जग को लेके। जब भी हम मिक्सी में कोई पेस्ट बनाते हैं, चाहे वो चावल का हो, दाल का हो या फिर कोई भी पेस्ट हो, तो हम देखते हैं कि पीसने के बाद बहुत सारा पेस्ट मिक्सी के जग पे लगा रह जाता है और उसको उतारने में हमारा बहुत सारा समय लग जाता है और खूब सारी हमारी मेहनत भी लग जाती है। तो अब आपको क्या करना है, जब भी आप कोई पेस्ट बनाएं, पेस्ट को बनाने के बाद आपको मिक्सी के जग में थोड़ा सा पानी डाल के इसको कुछ सेकंड के लिए फिर से चला देना है और आप देखेंगे कि जो मिक्सी का जग पूरी तरह से पेस्ट से चिपका हुआ था, वो कितनी आसानी से एकदम से क्लीन हो गया और हमें बिल्कुल भी इसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ी। और जो पेस्ट देखिए इस पे चिपक गया था, जो पानी में ऐसे ही वेस्ट जाता और नाली में डालने के बाद, सिंक में डालने के बाद, सिंक को कई बार ये ब्लॉक भी कर देता है और स्मेल भी हो जाती है। तो देखिए, अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हमने मिक्सी के जग को साफ़ कर लिया और जो ये पेस्ट हमारा इतना सारा चिपका हुआ था, इसको अब हम क्या करेंगे, आटा गूंथने के लिए यूज कर लेंगे। है ना, एकदम आसान टिप्स। आई होप आपको पसंद आई होगी। तो चलते हैं अगली टिप्स की तरफ। ये दूसरी वाली टिप्स तो मेरी बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। तो दोस्तों, ये मैंने ले लिए हैं कुछ आलू। इनको मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा तेल लेके इस तरह से ग्रीस कर लूँगी। आलू के साथ साथ मैंने ली है शकरकंद और बैंगन भी। सभी चीज़ों को हमें थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा के ग्रीस कर लेना है और अब हम इनको इस तरह से फॉइल पेपर में डाल के इनकी पोटली बना लेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से हमें बैंगन को भी ग्रीस करना है ऑयल के साथ। और इनको भी हमें एक फॉइल पेपर में इसी तरीके से रैप कर देना है। ये दोनों एक जगह नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए मैं इनको अलग अलग रैप करूंगी। और ऐसे ही मैंने बिल्कुल शकरकंद भी ले ली है और उनको भी फॉइल पेपर में लपेट दिया है। इतना करने के बाद अब हम लेंगे एक कुकर और कुकर में मैं डालूंगी नमक। तो दोस्तों, ये वाला नमक मेरा बहुत बार का यूज किया हुआ है, इसलिए इसका कलर आपको थोड़ा सा अलग लग रहा है। इसको हमें पूरे कुकर में इस तरह से अब फैला देना है और जो हमने अभी पोटली बना के रखी हुई है, आलू, शकरकंद और बैंगन की, उन सभी को हम इस तरह से कुकर में सेट कर देंगे। तो नीचे मैंने रख दिया है शकरकंद और आलू और ऊपर मैंने ये रख दिए हैं बैंगन। अब हम कुकर का ढक्कन लगा के इसको गैस पे रखेंगे। ढक्कन से हमें रबड़ या फिर विसल कुछ भी नहीं निकालना है, बिल्कुल ऐसे ही हमें इसको गैस पे रख के गैस को हम ऑन कर देंगे और 2 मिनट तक हाई फ्लेम पे हम इसको गर्म होने देंगे, जिससे हमारा कुकर भी अच्छे से गर्म हो जाए और जो हमने इसके अंदर नमक डाला है वो भी पूरी तरह से गर्म हो जाए। और 2 मिनट बाद जब हम देखेंगे कि कुकर हमारा अच्छे से गर्म हो गया, उसके बाद हम 10-12 मिनट के लिए इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर सभी चीज़ों को हमें भुनने देना है। और यहाँ पे मैंने 12-13 मिनट के बाद कुकर खोल के एक बार सभी चीज़ों को ऊपर नीचे कर दिया है ताकि चारों तरफ से ये अच्छे से सिक जाए। आप एक बार चाकू की सहायता से चेक भी कर सकते हैं। अभी मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि कसर है, तो मैं इनको दो मिनट के लिए फिर से ढक्कन को बंद करके छोड़ दूँगी। टोटल यहाँ पर 15 मिनट के लिए मैंने सभी चीज़ों को पकने दिया है और अभी मैं देख पा रही हूँ कि सारी चीज़ें मेरी बहुत बढ़िया से सॉफ्ट हो गई हैं। गैस को बंद करने के बाद आप थोड़ी देर कुकर को ठंडा होने दें और उसके बाद ही इसका ढक्कन खोलें। तो चलिए फिर अब इन चीज़ों को हम फटाफट से निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम अपना बैंगन चेक कर लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा ये सॉफ्ट हो गया है। छिलका उतारने से आपको पता चल रहा होगा कि कितना बढ़िया पक गया है ये। अब जो हमने दूसरी चीज़ें आलू और शकरकंद रखी थी, उनको भी एक बार चेक कर लेंगे।
बैंगन में भुना हुआ फ्लेवर लाने के लिए आप चाहें तो इसको एक मिनट के लिए गैस की फ्लेम पे भून सकते हैं। बहुत ज़्यादा गर्म है तो मैं आपको चाकू से काट के दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी बढ़िया हमारी शकरकंद भी भुन गई है। अब आलू को चेक करेंगे और ये देखिए आलू भी बहुत अच्छे से पक गया है। तो अब जब भी आपको पराठा बनाना हो, भरता बनाना हो, तो आप इस तरह से बना सकते हैं। कई सारे लोगों की कंप्लेंट होती है कि जो हम पराठा बनाते हैं वो हमारा आलू के मॉइस्चर की वजह से फट जाता है। तो ऐसा करने से आपका जो आलू है बिल्कुल ही सूखा सूखा रहेगा। और ये हमारे बैंगन हैं, ये भी देखिए कितने बढ़िया भुन गए। और लास्ट में अगर आप कुकर को देखेंगे तो देखिए बिल्कुल ही क्लीन है, बिल्कुल ये जला नहीं, कहीं से भी बिल्कुल गंदा भी नहीं हुआ। अब ये जो नमक बच गया है इसको अच्छे से ठंडा करने के बाद हम दोबारा से किसी पॉलीथीन या डब्बे में डाल के रख देंगे और दोबारा जब हमें कोई रेसिपी बनानी होगी तो हम इसको फिर से यूज कर सकते हैं।